बताता हूँ, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, टेल मी। वेरी ऐसा है, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे सी एच थ्री है, अब मुझे इसका नेम बताओ। चलो क्या होगा, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। प्लीज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आप देखना कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। अब आप बताओ क्या होगा इसका नेम। थ्री मिथाइल ओके, साइक्लो देखो पहले आपको ये देखना होता है कि पहले किसको प्रेफरेंस दे, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको पहले प्रेफरेंस देनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? है यस ना, सर। और फिर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं बताओ, सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये वन है, फिर यहाँ से भी ऐसे जा सकता हूँ और यहाँ से भी ऐसे नंबरिंग दे सकता हूँ, लेकिन जब ऐसे नंबरिंग दूंगा तो इसको थ्री नंबर मिलेगा और इस साइड से फिफ्थ नंबर मिलेगा, तो ये वाली राइट हुई। आई बात समझ में आपको? ओके, यस अब आप थोड़ा सा सोचो इसका जो नेम होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन पूरा ही लिखना है। ओके सॉरी, आगे और एक चीज लिखनी रह गई और सर, वो क्या थ्री हो गई, मिथाइल आएगा। हाँ थ्री थ्री मिथाइल मिथाइल, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हेक्सेन पूरा लिखना है यहाँ पे, हेक्सेन वन ऑल या फिर हेक्सेनॉल। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? यस सर। अगर आपको यस वन सर, लिखना है तो यस आपको सर। वन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। गॉट इट? वन है तो कई बार नहीं लिखते तो चलता है वैसे कुछ सर नहीं। हाँ बोलो बच्चे। कल जो होमवर्क देते हैं उसमें दो डाउट है। अरे वो अभी नहीं, वो मैंने जो आंसर भेज दिया ना बच्चे, हाँ उसमें डाउट है, गलत तो तुम मुझे लिखा। थोड़े से सोचो, हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करवा ही लेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी हमारी। अगर यहाँ पे सी एल है और यहाँ पे सी एच थ्री है, अब आप किसको नंबरिंग पहले दोगे, सी एल को कि सी एच थ्री? यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सीएच ग्रुप ही है। ओके, कौन से तौर पे दिया आपने ये? सर, वो मिथाइल इथाइल के बेस पे इन इन यहाँ पे मिथाइल आयल। आता है और यहाँ पे क्लोरो आता है, ये दोनों ही अभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो किसका पहले नंबरिंग देना पड़ेगा, क्लोरो का। वन टू थ्री क्लोरो फोर फाइव सिक्स, तो आपका ये नाम हो जाएगा लाइक ए वन क्लोरो थ्री मिथाइल साइक्लो, वन क्लोरो थ्री मिथाइल साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। इज इट क्लियर, यस और नो? सर यस, इसमें इसमें कैसे पहले आया? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो मैंने कभी पीछे इसी लिखा है, कभी क्लोरो मैंने पीछे लिखा ही नहीं है, मैंने एक नोट भी लिखवाई, आप पहले देख आया। लो। अरे नंबरिंग बोल रहा हूँ। अल्फाबेट देखे मैंने यार, इसका एम है और इसका सी है, तो अरे यहाँ पे वो क्यों नहीं नहीं बोल, देखे, यहाँ कहां पे से वन फंक्शनल नंबर? ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने आपको एक रूल लिखा है। देखो सब रूल कंबाइन करोगे ना तो अब आंसर निकलेगा, अब एक एक रूल अब सीखने जाओगे तब तो आंसर ही नहीं निकलेगा। मैंने पहले बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को, और जब दो ही सब्स्टिट्यूएंट है तब अल्फाबेट ले लो। ये सभी आपको ध्यान में रखनी है प्रायोरिटीज। ओके ओके चलो, इसमें आगे बहुत नहीं बढ़ता हूं मैं, अब मैं आपको जो है वो बेंजीन वाला करवाता हूँ, एरोमेटिक। अब आपको ये तो पता नहीं है एरोमेटिक कौन है, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज पता है कि जहां पे अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको बेंजीन बोलते हैं, हाँ ना? और एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यस और नो? यस अब जो बेंजीन होती है, अगर यहाँ पे कोई एक जुड़ जाए, सपोज यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड जुड़ गया, यहाँ पे ग्रुप एक्स जुड़ गया, तब क्या होता होगा वो मैं आपको बता दूं, बेंजीनॉइड। ये जो पोजीशन है उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, पहले इसको ऑर्थो बोलते हैं, फिर ये जो इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, और इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, पैरा। अगर बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके जस्ट साइड वाला जो है वो ऑर्थो है, उसके साइड वाला मेटा हुआ, उसके अपोजिट एकदम क्या हो जाएगा, पैरा। फिर यहाँ पे भी ऐसा, ये भी ऑर्थो ही है और ये कौन सा हो गया आपका, मेटा पोजीशन। पहले ये सब पोजीशन से नाम देते थे, अभी तो वन टू थ्री बोलते हैं, समझे बात? लेकिन बात क्या हुई है वो मैं आपको बता दूं, कि जब हाइड्रोकार्बन के हम लोग नेम देंगे तब कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनके आईयूपीएसी नेम जो है वो उनके कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी नेम ले लिया उन्होंने। बताता हूँ कैसे,
पहले आप ये समझो पोजीशन क्या होती है। अगर यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है तो उसके साइड वाला अर्थ हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम उसको, मेटा, और जस्ट सामने वाला क्या होगा बताओ, जस्ट सामने वाला क्या होगा, पैरा। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, पक्का वाला ना? चलो यस आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा समझना कि अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ऊपर सी ए थ्री रखता हूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ आप, इसका नेम क्या हो जाएगा? ये हो गया मिथाइल, और उसके बाद कौन है, किसके ऊपर है, बेंजीन। इज इट क्लियर है ना? यस मिथाइल बेंजीन। अब इसका जो नेम है टॉल्यूइन, कई बार क्या होता है आईयूपीएसी वालों ने बताया कोई बात नहीं, अगर आप टॉल्यूइन बोलोगे तब भी चलेगा ऐसा, ठीक है? तो एक काम कर, आईयूपीएसी तो इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका जो नॉन नेम है वो कौन सा है, सब इसको कौन से नेम से जानते हैं, टॉल्यूइन। लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, सी एच थ्री। ऊपर कौन होना चाहिए बच्चों बताओ, सी एच थ्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सर इसके बिल्ले नीचे हो तो वो एक ही हुआ, वन नंबरिंग ही देगा ना तू। अगर ये दोनों सेम ही है, सिर्फ उसको तूने उल्टा लटका दिया और कुछ नहीं है, ऐसा है तब ये टॉल्यू ही नहीं है। तो वन नंबरिंग तो यहाँ भी देगा, वन मिथाइल बेंजीन, ठीक है, और ये भी वन मिथाइल बेंजीन। समझा बात? वो आपको तो पोजीशन, ये छह के छह कार्बन इक्विवेलेंट है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते पहला वाला दूसरा वाला है। बेंजीन में तो सभी कार्बन उसके कैसे होते हैं बच्चों, सभी कार्बन कैसे होते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट होते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। ओके अब आप थोड़ा सा सोचो, अब मैं कौन सा करवा रहा हूं आपको कि एक साथ दो सी ए थ्री। अब समझना समझना, यहां पे भी सी एच थ्री है और यहां पे भी सी ए थ्री, ऑर्थो पे सी ए थ्री है, दो सी एच थ्री। आप समझना अच्छे से, समझ रहे हो ना बच्चों मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? Yes. आपको अच्छे से नेम याद रखने, ट्वेल्थ में फिर ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे तो आप ये बोलोगे और ये क्या हो गया, तो वो नहीं चलेगा बच्चों, इसलिए अभी से नेम सीख रहे हैं, फिर आगे डिटेल में और भी सीखेंगे, डोंट वरी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो। चलो इसका नेम क्या होता होगा, आप सोच के बताओ, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर की। साइक बेंजीन, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन नहीं है, देखे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो इसको बेंजीन बोलते हैं। तो ये हो गया 1,2-dimethyl बेंजीन, ये हो जाएगा आपका 1, देखो ये 1,2 था, ये 1,2,3 है, इट्स अ 1,3-dimethyl बेंजीन, और ये हो जाएगा आपका 1,4, ये आपका हो जाएगा 1,4-dimethyl बेंजीन। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, ओके। अब इसके कॉमन नेम क्या है आप सोचना, इसको बोलते हैं ज़ाइलिन, इसको बोलते हैं ऑर्थोज़ाइलिन, इसको बोलते हैं पैराज़ाइलिन, नहीं इसको बोलते हैं मेटाज़ाइलिन, क्योंकि ये मेटा पे है, इसको बोलते हैं मेटा। देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा बोला था ना मैंने, इसको मेटा बोलते हो कई बार, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन एंड पैराज़ाइलिन, इसके कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपीएसी तो आपको, हाँ बोलो, ओएमपी लिखना है ऑर्थो का वो। यस यस यस, अब समझ जाओगे, ओ में ओ लिखो तो ऑर्थो, एम लिखो तो मेटा, पी लिखो तो पैरा, आप समझ जाओगे सर। और ज़ाइलिन क्यों? ज़ाइलिन क्योंकि इसका जो वो कंपाउंड के नेम से दिया होगा इन्होंने, देख लेते हैं फ्रॉम वेयर ज़ाइलिन नेम केम है ना। यस सर, लेकिन अगर ऐसे देखने जाएंगे तब तो खत्म ही हो गए हम लोग।
वॉलेटाइल लिक्विड हाइड्रोकार्बन कंडेंस बाय डिस्टिलिंग वुड कॉल और पेट्रोलियम यूज्ड इन अ फ्यूल सॉल्वेंट इन केमिकल सिंथेसिस। ज़ाइलिन का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड जो कहाँ से मिलता है, वुड में से मिलता है, जो कॉल टार पेट्रोलियम और वहां पे यूज होता था, इसके वजह से उसको नाम ज़ाइलिन दिया। कॉमन नेम है भाई इसका, समझ रहे हो बात? सर यस तो उन्होंने वहां से दे दिया है। चलो नेक्स्ट वन अगर देखे तो जरूरी नहीं है अगर ये वाला है, अगर अब मैं आपको ओ एच वाले बताता हूँ, कौन से वाले बताता हूँ बताओ, कौन से वाले? ओ एच वाले, तो उसको फिनॉल बोलते हैं। ओ एच वाले को क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। देखना इसके ऊपर ओ एच है तब इसको क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना? अब इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, यस और नो? यस हाइड्रोक्सी बेंजीन, पूरा साथ में ही लिखना है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन बात क्या बनती है, इसको कॉमन नेम फिनॉल है और इनको तो सभी फिनॉल ही बोलते हैं, इसको तो सभी क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? फिनॉल ही बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। इसमें तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज हुआ है ना? हाँ तो हाइड्रोक्सी कैसे ले बोलो, अब एरोमेटिक के नेम उन्होंने डिफरेंट दिए ना। अब यहाँ पे हमने चेन तो कौन सी ली, यही ली है। अब ये पूरा बेंजीन है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो, बेंजीन में हाइड्रोक्सी बोलना है इसको, ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप ही है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंट है ना, ये एरोमेटिक है और वो एलिसाइक्लिक थे। अब देखो एक ओएच कहाँ पे रखता हूँ मैं, अब तुम सोचो, एक ओएच रखता हूँ ऑर्थो पे, एक कहाँ पे रखूंगा बताओ? अब आप समझ रहे हो धीरे धीरे, एक कहाँ पे रखूंगा बताओ? मेटा। और एक कहाँ पे रखूंगा, और एक कहाँ पे रखूंगा? पैरा पे। फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आईयूपीएसी नहीं आता है तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दिए तो कॉमन, फिर आपके नजर में तो आया हुआ चांस होना चाहिए ये। चलो अब ओएच ओएच है तो इसको क्या बोलते हैं पता है बच्चों? 1,3-dihydroxybenzene, हाँ है ना? इसको क्या नाम देंगे हम लोग? 1,2 ये 1,3 और ये 1,4, यस और नो? यस। चलो जो 1,1 वाला है इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल, इसको कौन से नाम से सब जानते हैं? कैटेकॉल। इट्स डिफिकल्ट टू राइट नाउ अंडरस्टैंड, लेकिन जब जब आने लगेगा तब तक हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? कैटेकॉल। ये वाला जो है मेटा पे है, ये हो गया आपका रिसोर्सिनोल। क्या नाम दोगे आप इसको? रिसोर्सिनोल। और इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं जो 1,4 पे है उसको? क्विनोल। और दूसरा एक नाम दे सकते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, क्विनोल और हाइड्रोक्विनोन, ये नेम हम उसको दे सकते हैं। चलो ये बस इतने याद रखेंगे, अभी तो आप थोड़े थोड़े इजी याद रखवाता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपका टेंशन बढ़ जाएगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो। लेकिन ये वाला जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ज़ाइलिन, इसको बोलते हैं पहले ऑर्थो पे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? कैटेकॉल। फिर इसको क्या बोलने वाले हम लोग? रिसोर्सिनोल। और फिर इसको क्या बोलने वाले हम लोग? और फिर इसको हम लोग क्या बोलने वाले? क्विनोल बोलने वाले। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी एक तो वैसे क्रेसोल भी आता है, सिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये ज़ाइलिन, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन, जब दो सी है तो क्या बोलते हैं? ज़ाइलिन। दो है तो कैटेकॉल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, बाकी वो नाम तो आपको देख के ही आ जाएगा, है ना? आईयूपीएसी नेम तो आपको देख के नहीं आ जाएगा। yes. अब मैं ऐसा कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ जिसमें मुझे OH और कौन मिले? CH3 दोनों मिले। यहाँ पे OH मिले और यहाँ पे CH3। अब सोचना थोड़ा सा, अभी मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है? चलो इसका नेम क्या होता होगा वो बताओ, इसका नेम क्या होता होगा? अब सोचिए ये फंक्शनल ग्रुप है मेन है, तो 1,2,3,4,5,6, तब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 2-methyl-1-hydroxybenzene, यस और नो? या फिर इसको आप फिनॉल ही लिखो OH वाले को, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको OH वाले को फिनॉल बोलना है ना तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके?
तब आप इसका कैसे नाम दोगे वो बताओ, तब आप इसका ऐसे नाम दो टू मिथाइल फिनॉल, क्योंकि फिनॉल को आईयूपीएसी नेम के तौर पे कंसीडर कर लिया। फिनॉल वाले को बोला, आईयूपीएसी वालों ने बोला चलो भाई फिनॉल बहुत यूज होता है कॉमन नेम है, इसी को हम लोग आईयूपीएसी बोल देते हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, फिनॉल यस और नो? यस। फिर आप क्या करोगे दूसरे वाले में क्या है बताओ? Three methyl phenol. समझ में आ रही है बात? और इसका क्या होगा? 4-methyl phenol. पक्का ना? अब सोचो इसका जो नेम है वो क्रेसोल बोलते हैं, इसको ऑर्थोक्रेसोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थोक्रेसोल। ओके फिर इसको क्या बोलते हैं बताओ? मेटाक्रेसोल। एंड इसको क्या बोलेंगे फिर? पैराक्रेसोल। इज इट क्लियर? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो हमने कहां से स्टार्ट किया, अभी सिर्फ हमने CA3 और OH ही देखा है कि अगर ऊपर CA3 है तो उसको मिथाइल बेंजीन बोलो और अगर OH हो तो हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो, लेकिन हाइड्रोक्सी बेंजीन बहुत कम बोलते हैं, आईयूपीएसी वाले इसको भी नहीं बोलते हैं। तुमने बोला ना ऐसे फंक्शनल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी कैसे लिख सकते हो, हाया ना? तब उन्होंने एक और नेम देते, तब एक और नेम देते इसको, फिनॉल नेम ज्यादा अच्छे से देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर OH है, दो OH है तो 1,2 डायहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3, 1,4 डायहाइड्रोक्सी बेंजीन, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। फिर अगर बात करें दो CA3 की तो 1,2 डायमिथाइल बेंजीन, 1,3 डायमिथाइल बेंजीन, 1,4 डायमिथाइल बेंजीन, ऑर्थोक्सैलीन, मेटाक्सैलीन, पैराक्सैलीन। इज इट क्लियर? यस और नो? आया ना बताओ? यस सर। पक्का वाला ना? यस सर। चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा। यस सर। ओके उसके सिवाय उसके और भी चचेरे भाई को ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं मैं, उसके सिवा उसके और भी चचेरे भाई। किसके चचेरे भाई बच्चों? बेंजीन। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के चचेरे भाई है। CA2 CA3 बताओ क्या नाम दूं इसको मैं? इथाइल। वन की लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, इथाइल बेंजीन। पक्का वाली बात है सबको समझ में आ रही है बात? इथाइल बेंजीन। यस सर। सपोज इसी में मैं डबल बॉन्ड करता, आप समझना बात, मजे की बात तो आप है। बेंजीन ही हमारा मेन टारगेट है। अब ये देखो इसको मैंने कुछ बोला था क्या कभी इसको? पिलिडिन सर। इथिनाइल बोला था। इथिनाइल बोला था। इथी यहाँ पे ही आएगा, याद है? इथिनाइल बेंजीन। वाव। और चलो इसको मैंने क्या बोला, अब सुनना सुनना सुनना, अगर यहाँ पे एक सी है और ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, अब बताओ इसका नेम क्या दोगे? इथाइनाइल बेंजीन। बस ऐसा ही है। टेंशन मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, अभी याद रखना है, बाकी आगे ऐसा कोई डिफिकल्ट नेम नहीं आने वाले। ये मैं आपको किसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ? 12th की, कि अगर आपको अगर ऐसा आइडिया है तो कोई पूछता है घुमा फिरा के तो आपको थोड़ा सा पता चल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसके कॉमन है मतलब आप, हाँ ये बेंजीन है तो उसमें जो डबल बॉन्ड है कहीं पे भी हो सकते हैं कि ये शेप जो है वही फिक्स्ड है। ये डबल बॉन्ड क्या बोले बच्चे? मतलब जो बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ये एक ऊपर एक यहाँ पे क्रॉस में नीचे एक छोड़ के एक होना चाहिए, एक छोड़ के एक होना चाहिए, तो कहीं पे भी रख सकते हैं ना उसमें अंदर, लेकिन एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। हाँ ओके। इसको बोलते हैं स्टाइरिन, इसको डबल बॉन्ड वाला इसको बोलते हैं स्टाइरिन और इसको बोलते हैं फिनाइल एसिटिलीन, एसिटाइलीन। एक्चुअली इसको बोलते हैं फिनाइल एसिटिलीन, कुछ इस तरह से, ठीक है? यस और नो? हाय ना? यस।
सर। अभी भी इसके थोड़े चचेरे भाई ड्रॉ करता हूँ, मजा आया इसे। बहुत सारे लगते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड होते हैं लेकिन हम सब नहीं कर सकते। वैसे मुझे भी सब नहीं आएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड मतलब अनलिमिटेड कंपाउंड्स है यार, तब सबका तो कैसे याद रखने बैठे हम लोग। इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो अगर इसके हम लॉन्ग लाइन चेन ले तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं इसको आइसो, अदरवाइज इसको हम लोग क्या बोल सकते प्रोपाइल नहीं बोल सकते, वन प्रोपाइल बोलो, वन पे ही आइसोप्रोपाइल बोलो, क्या दिक्कत है। ओके ऐसा नहीं है इथाइल बेंजीन लिखा, ऐसा प्रोपाइल बेंजीन नहीं लिख सकते, लेकिन टू नंबर की तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, टू नंबर की पोजीशन पे टू प्रोपाइल बेंजीन लिखना पड़ेगा फिर। लेकिन उससे अच्छा आप ये याद रखो ना आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं और दूसरी बात, इसका दूसरा नेम है क्यूमिन। क्या नाम है इसका दूसरा नेम क्या है बताओ, इसका क्यूमिन है, क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसको लोग क्यूमिन बोलते हैं। सी एच डबल बॉन्ड सी है तो उसको स्टायरीन बोलते हैं। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस। फिर आप देखो अगर यहां पे मैं दो रिंग को इकट्ठा कर दू, फ्यूज कर दू, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेप्थेलिन। नेप्थेलिन क्या बोलते हैं, नेप्थालिन। ओके के गोली वही 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 यस 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 वही वही आपका नेप्थालिन। इसका क्या नाम देते बताओ, एंथ्रासिन। इसका क्या नाम देते हैं बताओ, एंथ्रासिन। एंथ्रासिन इसका नेम देते हैं हम लोग। आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? हाय ना सर, उसमें डबल बॉन्ड क्यों दो दो ही बनाए, वो आपको बाद में पता चलेगा। ये है ना बॉन्ड दोनों के बीच में होता है, ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच का है, ये वाला बॉन्ड दोनों के बीच का होता है, इसलिए समझे बात, आप टेंशन मत लो, वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसको एंथ्रासिन बोलते हैं। हाँ बोलो बच्चे, सुन रहा हूँ सर। इसके अगर आईयूपीएसी नियम ढूंढे तो ये डबल बेंजीन और ट्रिपल बेंजीन वाला, उसको कैसे ढूंढेंगे? अभी आप एक्स्ट्रा मत करो यार, अभी जितना करवा रहा उतना ही यार, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो मजा आएगा, जंप लगाओगे तो हड्डी टूटेगी, फिर ना तो समझ में बात आएगी और ना तो कुछ पल्ले पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सर ने एक रिंग रखी थी, फिर दो रखी, फिर तीन रखी, ऐसा समझो तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा तब। Yes. क्योंकि ज्यादा सोचने जाओ तब तो मैं तुम्हें बता दूं। देखो अब मैं तुम्हें, अगर तुम डरा नहीं रहा उसे बता रहा हूं, ओके कि लाइक एजुलिन कौन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है एजुलिन। अभी इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब बताओ क्या करूं मैं। और देखो इन्होंने सभी का ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम भी दे रखे हैं, अब बताओ क्या ये करके हमें क्या फायदा है यार। और दूसरा जब हम यूज करने वाले हैं इंडस्ट्री में तब हमें पता होना चाहिए इसका नेम ये और ये। आजकल पूरी मतलब आजकल बात ये हो गई है कि बोलते रहते हैं हैंडराइटिंग अच्छी करो, हैंडराइटिंग अच्छी करो, लेकिन काम कहाँ पे करना होता है, फिर लैपटॉप पे तो पूरा दिन काम करना होता है। यस सर, बात ये बन जाती है। अब देखो अब यार ये, हाँ तो ये सभी आप समझ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे हैं। चलो क्लियर अभी? यस सर। ये देख लो ये एजुलिन, जबरदस्त। सर ये तो बहुत है। अरे डिफिकल्ट बहुत इजी है ये, लेकिन बात है आप क्या स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आएगा 1 2 3 4, और इस स्टेप तक तो हमें पहुंचना भी नहीं है। अगली बात सुन मैं आपको, हम 11 12th पे है अभी, तो 11 12th के तौर पे करते हैं। ओके यस सर। मतलब हमने तो इतने बड़े केमिकल स्ट्रक्चर्स रटे हुए थे,
अब इसको मतलब एक टाइप का क्या बोलते हैं, बेंजीन बोल दिया, चलो हमने तो माइक्रोस्कोप में देखा नहीं है, बच्चा के बोलेगा ये सर आप बोल रहे हो तीन बेंजीन ऐसे कैसे होते हैं, अब मैं क्या करूं यार, वो बेंजीन दिखता है, रिसर्च किया हुआ है अब तक, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको बेंजीन बोलते हैं। हाँ, उसमें होता क्या है वो सब बताएंगे कि पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज करें, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता है क्या है, आपने देखा तो नहीं है ना उसको, लेकिन आप यूज करते हो उसका, लेकिन हर बार आप यूज करते हो, जब दवाई खाते हो तो क्या दवाई का मॉलिक्यूल पूछने जाते हो डॉक्टर से ये कौन सा मॉलिक्यूल है भाई, वो जब आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है तब काम में आएगा ऐसे। तो ये सभी बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। लेकिन हमारी सिस्टम कुछ इस तरह से है कि अगर ये करवाने गए तो काम का रह जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, तो रिसर्च करनी थी वो बाकी रह जाएगी, ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जब बिट्स में था, जब मैंने टीचिंग लाइन को चूज किया ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तब मेरे एचओडी आए और उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया, फिर मुझे बहुत लताड़ा, बहुत बहुत डांटे मुझे, कि भाई तू आगे जा, कंपनी में जा, रिसर्च में जा। मैं कंपनी में गया था रिसर्च में औरंगाबाद में, लेकिन फिर मुझे वहां पे मजा नहीं आया मशीन के साथ काम करना, तो मैं वापिस आ गया, तो इसलिए मेरे एचओडी ने मुझे बहुत डांटा था। चलो इसका नेम क्या होगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, चलो हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर आप दो और चीज रखूंगा, अब देखो आप इसको टॉल्यूइन भी बोल सकते हो, अब अच्छे से अब देखो बहुत कंफ्यूजन क्या होता है, अगर बच्चे इस तरह से लिखते हैं सीएल और सीएच, अब सुनो आप अगर टॉल्यूइन बोलना चाहते हो तो टॉल्यूइन पोर्शन कितना होता है ये वाला, हाँ या ना, तो इसके सेकंड नंबर पे क्लोरो है, तो आप ऐसे को इसको ऐसे लिख सकते हो टू क्लोरो टॉल्यूइन, समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको कैसे लिख सकते हो, अरे मैं बोल रहा हूँ यार, जब तू टॉल्यूइन गिन रहा है अपना बेस ऐसे लिखते हैं, और तो ऐसे भी लिख सकता है कि लाइक वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, नाउ इज इट क्लियर, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, इज इट क्लियर? यस। मिथॉक्सी बेंजीन, ओके okay, अब आप सोचो, अब अगर यहाँ पे मैं, आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो टॉल्यूइन वाले को, फिनॉल है तो आप फिनॉल बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं OCA3 रख दूँ, आप समझना थोड़ा सा, चलो OCA3 बाद में, अगर मैं यहाँ पे BR रख दूँ, आप क्या नाम दोगे इसको बताओ, अब इसका क्या नेम दोगे? ब्रोमोबेंजीन। वेरी गुड, हो रहा है धीरे धीरे क्लियर? चलो अब हम पर्टिकुलर एक एक ही फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, चलो अगर मैं यहाँ पे ऊपर रख दू NO2, क्या नाम दोगे आप इसको बताओ? नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं ऊपर NH2 रख दू, आप क्या नाम दोगे बताओ? एमिनोबेंजीन दोगे कि नहीं दोगे? यस। और इसको बोला जाता है एनिलिन, इसको क्या बोला जाता है? एनिलिन। अब एनिलिन को उन्होंने बोल दिया है IUP की तरह यूज कर सकते हो आप, किसका IUP? देखो टॉल्यूइन को कर सकते हैं, फिनॉल लिख सकते हैं और एनिलिन लिख सकते हैं, नाइट्रो को नहीं लिख सकते, नाइट्रो को नाइट्रोबेंजीन ही लिखना, ठीक है? यस सर, नो है ना? यस यस सर। ओके आगे बढ़े, अब आप थोड़ा सा देखो एक चीज, अगर यहाँ पे CHO है तब हम इसको कैसे नेम दे सकते हैं, CHO है तब हम इसको कैसे नेम दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन क्या बोलेंगे हम लोग इसको? सर इसमें पीछे जाने देना है, हाँ इसमें सफिक्स यूज करना है, CHO है यार, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड बोलना है इसको, हाँ ठीक है। अब सुन,
थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ ना, यहाँ तो पता नहीं चलेगा, नीचे लिखता हूँ। लिख लिया तूने बेंजीन कार्बाइन, या फिर इसको तो बेंजाल डिहाइड भी बोल सकता है। डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं इसको बता, सी एच ओ को बेंजाल डिहाइड। चल अब अगर बात कर तो सी एच ओ के बाद अगर यहाँ पे कौन आ रहा है बताओ, सी डबल ओ एच आ रहा है, तब इसको हम लोग क्या नेम दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, या फिर हम लोग इसको क्या नेम देंगे, बेंजोइक एसिड, या फिर हम लोग इसको क्या नेम देने वाले बच्चों बताओ, या फिर हम इसको क्या नेम देने वाले, एक बात बताओ, अब तक मैंने हमारे जो ग्रुप थे ना वो डायरेक्टली कहाँ पे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कहाँ पे जुड़े हुए अब तक सर? हाँ बोलो, बेंजोइक नहीं आएगा क्या, BENZENOIC ऐसा नहीं आएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड तो लिखा NEZ आएगा ना, sorry NZENOIC बेंजोइक, बेंजोइक क्या यार मतलब, रुको मैं बोलता हूँ BENZEN, सुन ले बेंजोइक एसिड BEN बेंजोइक, यही तो है बेंजोइक। चलो भाई ये रहा बेंजोइक एसिड, दिक्कत क्या होगी, ठीक है यस ओके, बेंजोइक लिख दू उसको, ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलो नेक्स्ट वन, अब आप थोड़ा सा सोचो सर, आप कुछ वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट क्यों जुड़ा है सर? हाँ अब तक जो हम ये सीख रहे हैं कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जब बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है तब हमें प्रेफरेंस किसको देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एसोत्रिया देखो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, BS है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कई बार, शॉर्ट फॉर्म से डरना नहीं होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इज इट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, BS है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिड होता है तो आप स्पेस छोड़ के लिख सकते हो एसिड, डोंट वरी, ठीक है? चलो इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे CN होता, बेंजीन नाइट्राइल, तो फिर ये रह जाएगा ये कार्बन, अगर आप बेंजीन नाइट्राइल बोलोगे तो ये कार्बन रह जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कल पढ़ाया था ना ये कार्बो बोला था, चित्रा समझ में आ रही है बात सर, इसने रखना है ना कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, तो कार्बो के बीच स्पेस नहीं आएगा ना, नहीं रखा हुआ है इन लोगों ने, रख सकते हो, इन्होंने रखा हुआ है, नहीं रखोगे तब भी चलेगा बच्चों, अभी ये गधे है, अभी रखा है इन्होंने, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं यार, अब एक एक का कहाँ याद रखने, मतलब एक एक का कहाँ पे याद रखे, नहीं रखोगे तो चलेगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है यस नो, हम नाम रखे याद रखेंगे तो वो बोलेंगे स्पेस की वो तरीके, वो ऐसा प्लस माइनस थोड़ा रहता है यार, आपका मशीन थोड़ी ना है यार, पता होना चाहिए एग्जाम में, आप डायरेक्ट माइनस ही करते हो, अब वो तो करना पड़ता है यार चलो नेक्स्ट, अब देखो अगर ऐसा ही बात है, अमीनो सुनो, अमीनो जैसे अगर किसी को ऐसे कमीनो बोलना है तो बोलता है अमीनो, तो समझ जाना है कॉडवर्ड में कि ऑर्गेनिक में बोल रहा है, चलो एमिनो, एमिनो में होता क्या एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5 6
होता है फोर एमिनो, फिर क्या आएगा बताओ बच्चों, फोर एमिनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ही है, क्या टेंशन ले रहे हो, है ना? यस सर। चलो अब लास्ट वाला, इसके बाद रिजॉइन होंगे, ये बेंजीन कार्बल डाइड है तो बेंजाल डाइड है, और यहाँ पे एनओ टू रखो तो अब क्या लिखोगे आप, फोर नाइट्रो बेंजाल डाइड है ना? यस दैट्स व्हाट। आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें समझ में? अब तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस यस। चलो जितना होता है उतना करते, फिर रिज्वाइन कर लेना, अभी दो तीन हो जाएंगे, एक मिनट है लास्ट मिनट। अगर हम बात करें तो लास्ट मिनट में जितने होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ओ सी ए थ्री है तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं बताओ बच्चों इसको? मिथॉक्सी बेंजीन। यस, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका जो नेम है वो है एनिसॉल, क्या होता है इसका नेम, एनिसॉल। ओके, क्या बोलते हैं इसको बताओ बच्चों? फेनिसोल। ओके, और फेनिटोल क्या होता है, इथॉक्सी बेंजीन। चलो फिर रिज्वाइन कर लो, ये हो गया आपका इथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं ना इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम है फेनिटोल, फेनी में पीएच ही आएगा। चलो ओके रिज्वाइन कर लो, चलो एनिसॉल ई लिख देना भाई, अभी आएगा नहीं आएगा क्या है यार।